बदलापुर में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी के बाद एक और मामला आया सामने, मचा हड़कंप। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बीते दिनों बदलापुर तहसील परिसर में एक कानून गो को एंटी करप्शन टीम वाराणसी ने गिरफ्तार किया था। अभी यह मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था कि इसी बीच बदलापुर तहसील परिसर से काश्तकारों से खतौनी के नाम पर हो रही अवैध वसूली का नया मामला आते ही क्षेत्र में खलबली मच गई। हाल यह है कि बदलापुर तहसील में एकल विंडो पर खतौनी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जबकि यहां तहसीलदार और एसडीएम हमेशा मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारी का भी दौरा अक्सर होता रहता है, लेकिन कार्रवाई के लिए अधिकारियों को शिकायत का इंतजार है। बता दें कि तहसीलों के एकल विंडो पर मिलने वाले खतौनी के लिए निर्धारित शुल्क 15 रुपए प्रति खतौनी है, जबकि बदलापुर तहसील में आरोप है कि एकल विंडो पर खतौनी के नाम पर 15 रुपए प्रति खतौनी के बजाय 20 रुपए प्रति खतौनी लिया जा रहा है। तहसील परिसर में पहुंचे राजा बाजार निवासी उमेश चौहान ने 2 खतौनी निकलवाया, जिसके एवज में उनसे 40 रुपए लिया गया। वहीं सिन्हावल निवासी संदीप सिंह ने 5 खतौनी निकलवाया, इसके लिए उनसे 100 रुपए लिया गया। खतौनी लेने आए थे जी? कितना खतौनी लिए? हमने लिए 5 खतौनी। 5 खतौनी जी। प्रति खतौनी कितना लिए? 20 रुपए। 100 रुपए लिए जी। 20 रुपए प्रति खतौनी जी। जी कहाँ के रहने वाले हैं? राजा बाजार। खतौनी लेने आए थे? कितना कितना खतौनी लिए? 40 रुपए। 40 रुपए प्रति खतौनी? 40 रुपए।